नीलम जुनेजा से अच्छा इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बी ए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर सेकंड के अंतर्गत मत्स्य जनपद के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। मत्स्य जनपद ये राजस्थान का एक प्राचीन जनपद था। राजस्थान के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में मत्स्य जनपद का अपना एक विशिष्ट स्थान जो है माना जाता है, और इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि इस राज्य की स्थापना मत्स्य नरेश ने की। यहाँ की जनता प्रमुख रूप से मछली पकड़ने का कार्य करती थी, इसलिए उन्हें मत्स्य और इस क्षेत्र को यानी मत्स्य जो था कहा जाता था। और कहते हैं कि हमारे प्राचीन जितने भी साहित्य हैं ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख जो है मिलता है। और ये भी पता चलता है कि ये जनपद जो था ये पहले एक जाति के रूप में और फिर जनपद के रूप में और फिर महाजनपद के रूप में जो था विकसित हुआ। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो वैदिक साहित्य हैं उसमें ये जानकारी मिलती है कि राजस्थान के अंतर्गत आर्यों की जो जातियाँ आई उसमें मत्स्य भी एक जाति थी, जिसने राजस्थान के अंतर्गत आकर उन्होंने रहना शुरू किया। प्रारंभ में ये एक जाति थी और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर रहकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया और उन्होंने जनपद की स्थापना कर ली। जनपद दो शब्दों के मेल से बना है, जन एवं पद। जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है चरण, अर्थात जनपद का मतलब है राज्य का क्या स्टेप यानी क्या चरण था। और उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो जनपद थे वो धीरे धीरे महाजनपद के रूप में जो थे विकसित हुए, और जिसमें हमें छठी शताब्दी के अंतर्गत जो इतिहास मिलता है उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उन 16 महाजनपद जो थे उसमें कुछ तो एक तांत्रिक थे और कुछ गणतांत्रिक थे। और मन वज्जी कंबोज और कुरु ये गणतांत्रिक राज्य थे। मगध कौशल वस अवंती अंग काशी गंधार शूरसेन चेदी और मत्स्य जो थे ये एक तांत्रिक राज्य थे। और इसकी जानकारी हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए बौद्ध और जैन साहित्यों से जो है मिलती है। अब बात करते हैं मत्स्य जनपद की भौगोलिक दशा के बारे में। मत्स्य जनपद की जहाँ तक भौगोलिक दशा की बात आती है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जनपद जो था ये राजस्थान में अलवर भरतपुर और जयपुर के जो वर्तमान क्षेत्र हैं वहाँ पे ये जनपद जो था फैला हुआ था। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि राजस्थान के इन क्षेत्रों के साथ साथ चंबल की पहाड़ियों से लेकर पंजाब में सरस्वती नदी के सीमावर्ती जो जंगल थे वहाँ तक ये जनपद जो था विस्तृत था, अर्थात एक विशाल जनपद था। महाभारत में भी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अलवर और जयपुर क्षेत्र जो है उसको इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है बताया गया है। और महाभारत के बारे में या उसमें ये भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में यहाँ के राजा जो थे विराट थे, और पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था वो यहाँ पर जो था व्यतीत किया। अब चर्चा करते हैं कि मत्स्य जनपद का उल्लेख कौन से साहित्य देते हैं। मत्स्य जनपद के बारे में जहाँ तक उल्लेख की बात आती है इसकी जानकारी प्राचीन वेदों में ऋग्वेद में मिलती है, जिसके अंतर्गत ये पता चलता है कि मत्स्य जो था ये आर्यों का एक दल था जिन्होंने जयपुर अलवर और भरतपुर में अपनी बस्तियाँ बसाई और उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया। और वैदिक काल के जो राजा सुदास एक शक्तिशाली राजा हुए उनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। और दूसरा इसका उल्लेख शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ से मिला, और जिसमें ये पता लगता है कि उनके समय में यहाँ के राजा ध्वसन देववंश थे, जो सशक्त राजा थे जिन्होंने सरस्वती नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया जिससे उनके शक्तिशाली होने का प्रमाण मिलता है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में इनके शालक कुरु और पंचाल राज्यों से संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। और महाभारत जो है उसके अंतर्गत इनके दिग्विजयों का उल्लेख भी मिलता है कि महाभारत काल के अंतर्गत जो पांडव थे उन्होंने दिग्विजय का जब कार्य शुरू किया उसके अंतर्गत सहदेव एवं उसके बाद भीम ने भी इस क्षेत्र को जो था जीता यानी इस पर अधिकार जो था कर लिया।
और महाभारत के अंतर्गत जो विराट पर्व है, जो मत्स्य राज्य के बारे में हमें काफ़ी विस्तृत जानकारी जो है देता है। सबसे पहली जानकारी तो पांडवों के यहाँ आश्रय के बारे में मिलती है कि पांडवों को जब 13 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद 13वां वर्ष उन्होंने अज्ञातवास के रूप में जब व्यतीत करना था, तो इसके लिए उन्होंने विराट नगर को जो था चुना और वहाँ पर भेष बदल कर युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण के रूप में और कहते भीम ने वल्लभ नाम के रसोइये के रूप में, अर्जुन जो थे इन्होंने गृहनला नाम की एक स्त्री भूषण धारण कर एक महिला के रूप में, और कहते हैं कि जो सहदेव थे इन्होंने तंत्री पाल के रूप में चरवाही के कार्य को, और नकुल ने ग्रंथिक नाम के नाम धारण करके कहते घोड़ों की रखवाली का कार्य किया, और जो द्रौपदी थी इसने सेरंद्री का रूप धारण करके राजा विराट की जो पत्नी सुदेशना थी उसकी दासी के रूप में जो थे कार्य किए, अर्थात 1 वर्ष तक अज्ञातवास के रूप में उन्होंने वहाँ पर जो था व्यतीत किया। और महाभारत में एक जानकारी कि चक्रवर्ती की मिलती है कि ये राजा विराट का कहने जी की पत्नी सुदेशना का भाई था। एक बार उनका जब मत्स्य राज्य में आना हुआ, उन्होंने द्रौपदी को देखा, उसकी सुंदरता से बड़े प्रभावित हुए और उनके मन में उसे पाने की लालसा जागृत हुई, लेकिन द्रौपदी ने उनके प्रस्ताव को टुकरा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बहन पर दबाव डाला और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि सुदेशना जो थी उन्होंने द्रौपदी को कीचक के पास भेजा, और द्रौपदी जब उनके पास गई तो कहते हैं कि कीचक ने जब उनके साथ अशिष्ट व्यवहार करने का प्रयास किया तो उसने भागकर अपनी रक्षा की और सारी घटना उन्होंने भीम को बताई, और भीम ने नाट्यशाला में जाकर एक स्त्री का रूप धारण करके उन्होंने कीचक का वध जो था कर दिया। इसकी जानकारी भी इस साहित्य से मिलती है। अब हम बात करते हैं कौरवों के द्वारा गोधन हरण की। इतिहास में ये पता चलता है कि जब कीचक का वध का समाचार दुर्योधन को मिला तो उसने अनुमान लगाया कि ये सिरंद्री जो है ये दासी के रूप में द्रौपदी है, और उसकी रक्षा जो पांडवों ने की है और उसमें उन्होंने भीम के बारे में जो था विचार किया, और उसके बाद उन्होंने विराट नगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया, और ऐसी स्थिति में दुर्योधन जो थे उन्होंने विराट नगर पर आक्रमण किया, और जिसमें कहते कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, करण, अश्वत्थामा सभी उनके साथ थे। राजा विराट के राज्य पर उन्होंने आक्रमण किए, वहाँ पर जितना भी पशुधन था उसे हाँक कर वहाँ से क्या थे ले गए, और इसका पता जब राजा विराट को लगा तो वो बहुत दुखी हुए और उसने युद्ध करने के लिए अपने बेटे पुत्र को युद्ध करने के लिए भेजा, और उनके साथ गृहनला जो अर्जुन थे कहते कि जो स्त्री भेष में रह रहे थे उन्हें भी युद्ध करने के लिए उनके साथ सारथी के रूप में भेजा गया, लेकिन अज्ञातवास का समय पूर्ण हो चुका था। इस युद्ध के अंतर्गत कहते अर्जुन ने बड़ी वीरता का परिचय दिया, इस युद्ध में करण का पुत्र मारा गया, कर्ण युद्ध में घायल हुए, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के धनुष इत्यादि को उन्होंने काट दिया, सम्मोहन यंत्र से उन्होंने कौरवों को जो था मूर्छित कर दिया, अर्थात अपने पशुधन जो थी उसकी उन्होंने रक्षा की। और इसका पता कहते कि जब राजा विराट को चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे कहते अभिमन्यु के साथ करने का निश्चय किया, और बड़ी धूमधाम से उनका विवाह जो था कर दिया गया। अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध की। इतिहास में ये पता चलता है कि अज्ञातवास का जब समय पूरा हो गया, पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो कौरवों ने देने से इनकार कर दिया, और दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में राजा विराट जो थे अपनी विशाल सेना के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। उस युद्ध के अंतर्गत कहते भीष्म पितामह ने मत्स्य नरेश के अनेकों सैनिकों को मार गिराया, द्रोणाचार्य ने एक ही प्रहार में 500 घोड़े जो थे उन्हें मार दिया, और करण ने
मत्स्य नरेश की जो सेना थी उसकी रीढ़ को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और राजा विराट और उनके तीन बेटे कहते हैं कि उत्तर श्वेत और शंख कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। उनका दामाद अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ और उसके बाद उनकी बेटी उत्तरा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम परीक्षित था और जो पांडवों का उत्तराधिकारी जो था बना। अब बात करते हैं मत्स्य जनपद की शासन व्यवस्था की। मत्स्य जनपद की जहाँ तक शासन व्यवस्था की बात आती है वहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सैनिक व्यवस्था उत्तम थी क्योंकि पड़ोसी राज्यों से हमेशा मत्स्य राज्य के यानी कि संघर्ष चलते रहते थे, इसलिए उन्होंने सशक्त विशाल और कहते प्रशिक्षित सेना का निर्माण जो था किया। अब बात करते हैं वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। महाभारत के विराट पर्व और कर्म पर्व इत्यादि से उल्लेख मिलता है कि जो मत्स्य जनपद था वहाँ के लोग आध्यात्मिक परवर्ती के थे। सत्य की रक्षा करने के लिए सदैव दृढ़ संकल्प और तत्पर रहते थे। लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध था। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। लोगों का भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक हुआ करता था और मनोरंजन के लिए लोगों ने कई प्रकार के साधन अपना रखे थे। चौपड़, शतरंज, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी ये विशेषकर लोगों के मनोरंजन के साधन जो थे हुआ करते थे। मत्स्य जनपद की हम कठिनाइयों की बात करते हैं कि मत्स्य जनपद जो था ये जनपद महाभारत काल का एक सशक्त जनपद था, लेकिन इसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और इसके पीछे विशेष कारण ये था कि मत्स्य जनपद के पड़ोस में कई शक्तिशाली जनपद थे, जैसे शालु जनपद था, उनसे इनकी सीमाएं टकराती थी, इनमें युद्ध चलता रहता था। दूसरा चेदी जनपद था, वो भी एक शक्तिशाली जनपद था, इनके बीच भी हमेशा युद्ध चलते रहते थे। महाभारत काल में इस चेदी वंश के राजाओं में शिशुपाल और सहजनाम के राजा हुए जिन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया और उनसे उनके ऊपर उन्होंने अधिकार किया था कर लिया। महाभारत में सहज नाम के राजा का इन दोनों राज्यों पर अर्थात चेदी और मत्स्य राज्यों पर सम्मिलित अधिराज्य करने का प्रमाण भी जो है मिलता है। और ये जो शिशुपाल थे इसके बारे में ये माना जाता है कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे और श्री कृष्ण ने ही उनका यानी अंतजावध जो था किया था। और इतिहास में ये भी जानकारी मिलती है कि काफ़ी समय तक मत्स्य जनपद जो था चेदी राज्य के अधीन रहा, लेकिन आगे चलकर चेदी जो थे वो पूरब की ओर जब बढ़ने लगे तो ये राज्य स्वतंत्र हो गया, अर्थात उसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब हम मत्स्य महाजनपद के पतन के बारे में बताते हैं। मत्स्य महाजनपद के पतन की कहानी बहुत लंबी है। इतिहास में ये पता लगता है कि जो सिकंदर महान थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मत्स्य जनपद पर कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये उनके आक्रमणों से प्रभावित हुए, क्योंकि सिकंदर ने जब पंजाब पर आक्रमण किए तो पंजाब की कुछ जातियाँ जो थी अपनी सुरक्षा के लिए वो कहते हैं कि राजस्थान की ओर बढ़ने लगी, जिसके अंतर्गत मालव, शिवी और अर्जुनायन इन जातियों का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने राजस्थान में आकर बसना शुरू किया और अपनी सुविधा अनुसार भरतपुर और अलवर में अर्जुनायन जाति ने, अजमेर में वाड़ टोंक में मालव जाति ने और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत शिवी जाति ने अपना प्रभुत्व कायम जो था कर लिया और धीरे धीरे शक्ति और सेना इत्यादि को बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने मत्स्य जनपद भी आक्रमण भी जो थे किए और जिससे इनकी शक्ति जो थी कमज़ोर हो गई और आगे चलकर इन पर मगध राज्य के आक्रमण हुए। मगध राज्य में कौन से राजा ने इसके ऊपर अधिकार किया इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मगध राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत अनेकों राजवंशों की जानकारी मिलती है, जिसमें हरियत वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश इत्यादि का उल्लेख जो है मिलता है। ये माना जाता है कि इन राजाओं ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई तो संभवतः उन्होंने मत्स्य राज्य पर भी आक्रमण किए और उन्होंने मत्स्य राज्य की राजधानी के ऊपर अधिकार जो था कर लिया।
कहते विराटनगर में जो अशोक के समय के बने हुए अवशेष मिले हैं, स्मारक मिले हैं या अभिलेख मिले हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्य वंश के राजाओं ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इस पर अधिकार चौथा कर लिया और इसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, अर्थात इस राज्य का पतन जो था वो। निष्कर्ष के तौर पे मत्स्य जनपद वैदिक काल से लेकर मगध राज्य के उत्कर्ष तक राजस्थान के जनपदों में एक बड़ा महत्वपूर्ण जनपद था और प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए इतिहास में जब प्राचीन जनपदों की बात आती है तो राजस्थान के इस मत्स्य जनपद जो है इसका उल्लेख भी हमें जो है मिलता है।